तो होगा इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि वीडियो को जो है शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, तभी जो है आप ये वाली एडिटिंग कर पाओगे। एंड वीडियो को एक लाइक करना, कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी को दबा देना, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले क्या करना है आपको, इस वाले बैकग्राउंड को पिक्सआर्ट के अंदर शेयर कर लेना है, ठीक है। इस बैकग्राउंड का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। एंड गाइस जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने जो है बैकग्राउंड को पिक्सआर्ट में ओपन कर लिया है। एंड ओपन करने के बाद टूल्स में जाना, रिसाइज में जाना, और इसको यहाँ से जो है आपको रिसाइज कर लेना है। एंड गाइस रिसाइज करने के बाद क्या करना है, चले जाना है सिंपली ऐड फोटो में। यहाँ पर ऐड फोटो में ऐड अपना कोई एक फ़ोटो जो है ले आना है, ठीक है। ले आने के बाद यहाँ पर बड़ा करके यहाँ आपको सेट कर देना है अपने हिसाब से। एंड यहाँ पर इरेजर पर क्लिक करना। एंड इरेजर का क्या करना है, हार्डनेस फुल कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ से जूम करके कुछ इस तरह जो है इरेज कर देना है बैकग्राउंड को। अगर आपको बाहर से बैकग्राउंड इरेज करना है तो वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा कि कैसे बैकग्राउंड इरेज करते हैं, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जो है आसानी से सीख सकते हो, नहीं तो आप ये वाला ट्रिक भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ जो है बैकग्राउंड को इरेज कर लिया। एंड यहाँ पर कुछ इस तरह से सेट कर लेता हूँ। एंड ये सेट करने के बाद यहाँ से मैं ऊपर से करता हूँ इसको डन। डन करने के बाद चले जाएंगे अगेन ऐड फोटो के अंदर। एंड इस वाले पिंज को ले लेंगे एंड इसको थोड़ा मतलब बड़ा कर देंगे कुछ इस तरह से, जब तक ये ब्लर नहीं हो जाता, ठीक है। इतना बड़ा करके यहाँ से जो है साइड से इसको लगा देंगे, जो कि ब्लर इफेक्ट पड़ेगा, जो कि कमाल का लगेगा, ठीक है। तो ये ज़रूर कर लेना। एंड उसके बाद कर देना डन, चले जाना अगेन ऐड फोटो के अंदर। एंड फिर से उसी को ले आना। एंड ले आने के बाद यहाँ से जो है इस जगह मतलब ये साइड में इसको सेट कर लेना है, ठीक है। एंड डन कर देना। डन करने के बाद क्या करेंगे, चले जाएंगे अगेन ऐड फोटो के अंदर। एंड इस वाले आइस पीएनजी को ऐड कर लेंगे। एंड यहाँ से जो है इसको सेट कर लेते हैं फटाफट। इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, मतलब दो ठो कर लेता हूँ। क्या करना है, इसको जो है जो आपका आँख का जो काला काला होता है ना, उसके ऊपर इसको जो है सेट करना है कुछ इस तरह से। एंड ये सेट करने के बाद यहाँ पर इरेजर पर क्लिक करना। एंड ऊपर वाला पार्ट को आपको इरेज कर देना, मतलब आँख के बाहर वाला पार्ट को, ठीक है। इरेज करने के बाद यहाँ से इसको डन कर देना। एंड सेम प्रोसेस आपको सेकंड वाले का भी करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो है इसको फटाफट कर लेता हूँ इसी तरह से। एंड यहाँ से डन कर देना है। एंड गाइस देखोगे अब यहाँ पर जो है अजीब लग रहा है, पर यहाँ से क्या करना है आपको, कैपेसिटी इसका कम कर देना है, फिर ये अजीब नहीं लगेगा, अच्छा लगेगा, ठीक है, देख सकते हो। एंड इतना करने के बाद सिंपली आपको ऊपर से डन कर देना है, ठीक है। टूल्स में जाना, एडजस्ट में जाना, यहाँ से जो है ब्राइटनेस को बढ़ाना, कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाना, नीचे आके हाईलाइट को बढ़ा देना, इरेजर पे क्लिक करना, इसको इन्वर्ट कर लेना। एंड यहाँ से सेटिंग को कुछ इस तरह से चेंज कर लेना, ठीक है। एंड गाइस चेंज करने के बाद जूम करना है आपको। जूम करके फेस में कुछ इस तरह से लाइटिंग दे देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से जो है कुछ इस तरह से लाइटिंग दे देता हूँ आपको, इस तरह से कुछ चमक दे देना है, ठीक है, फेस में। और फेस में देने के बाद मैं यहाँ पर गर्दन पर दे देता हूँ। एंड इस तरह से देने के बाद गाइस वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। बहुत कुछ यहाँ पर जो है नया सीखने को मिलेगा आपको। कुछ इस तरह से जो है लाइटिंग दे देना है, फटाफट मैं दे देता हूँ। एंड गाइस देने के बाद क्या करना है, ऊपर से इसको डन कर देना है। डन करके इसको अगेन डन कर देना, मतलब इसका ब्राइटनेस कम कर देता हूँ पहले थोड़ा, अब डन कर देता हूँ, ठीक है। एंड चले जाएंगे यहाँ अगेन ऐड फोटो के अंदर। एंड इस वाले टेक्स्ट पीएनजी को ऐड करना भूल गए थे, तो इसको ऐड कर लेते हैं। एंड यहाँ पर सेट कर लेते हैं। एंड गाइस सिंपली आपको ऊपर से इसको डन कर देना है। एंड चले जाना है ड्रो में, ड्रो वाले टूल में, और इसको सेव कर लेना है यहाँ थ्री डॉट्स पे क्लिक करके। उसके बाद इस फोटो को लाइटरूम ऐप में ओपन कर लेते हैं। इसमें जो है थोड़ा कलर रिटचिंग करेंगे, तो यहाँ से मैं कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा लूँगा, हाईलाइट को कम कर दूँगा, शेडो को बढ़ा लेंगे, उसके बाद वाइटनेस को बढ़ा लेंगे, और नीचे ब्लैक्स को भी बढ़ा लेंगे, ठीक है। इतना करने के बाद चले जाएंगे नीचे वाले टूल के अंदर। यहाँ से टेम्प को बढ़ा लेंगे, उसके बाद टिंट को थोड़ा सा कम कर देंगे, और वाइब्रेशन को बढ़ा लेंगे। लगता है बहुत ज़्यादा बढ़ा जाएगा, इसलिए इसका वाइब्रेशन थोड़ा कम करते हैं, और कम करीबन इतना करते हैं, ठीक है। एंड सिंपली मिक्स टूल में जाएंगे। एंड यहाँ फर्स्ट कलर का ह्यू को बढ़ाएंगे सैचुरेशन कम करके, लेमिनेशन बढ़ा देंगे। एंड सिंपली सेकंड कलर में आके ह्यू को कम करके सैचुरेशन कम करके लेमिनेशन बढ़ा देंगे, मतलब ह्यू को बढ़ा देंगे सैचुरेशन कम करके लेमिनेशन बढ़ा देंगे। एंड इस येलो कलर में आके ह्यू को कम कर देना, सैचुरेशन बढ़ा देना, ठीक है। एंड क्या करना है, सिंपली आपको ऊपर से डन कर देना है। आ जाना है नीचे वाले टूल के अंदर, यहाँ से जो है टेक्स्चर को बढ़ा लेना, उसके बाद नीचे क्लैरिटी को बढ़ा देना, ठीक है। उसके बाद नीचे बिग नेट को भी थोड़ा सा कम कर देना है यहाँ से इतना, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, करने के बाद नीचे वाले टूल के अंदर चले जाना, ये वाले टूल के अंदर। एंड यहाँ से शार्पनिंग को बढ़ा लेना, उसके बाद नॉइस डिडक्शन को बढ़ा लेना। एंड गाइस इतना करने के बाद देख तो हमारा फोटो जो है परफेक्ट यहाँ रेडी हो चुका है। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। एंड गाइस मैंने इस पर जो है हेयर एडिटिंग किया हुआ है, ठीक है। अगर आपको हेयर एडिटिंग नहीं आता है तो वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जो है सीख सकते हो कि मैं हेयर एडिटिंग कैसे करता हूँ, ठीक है।
तो मैं यहाँ से फोटो को सेव कर लिया। तो गाइस ऐसा करता हूँ, वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, मुझे कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो यार, बहुत कम फॉलोवर्स हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।